मॉर्निंग टू वाला फिल्म। आज हम सब पढ़ने वाले हैं आइसोकार्बन के बारे में। देखिए आइसोकार्बन क्या होता है। आइसोकार्बन के लिए कम से कम कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए। यदि 4 कार्बन से एक कार्बन को माइनस करके उसको दूसरे कार्बन को जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा उसको हम आइसोकार्बन कहेंगे। देखिए जैसे C सिंगल वन C। ये हमारे पास टोटल कार्बन की संख्या इसमें 4 है। 4 कार्बन में से एक कार्बन माइनस कर देंगे, जो माइनस किए हैं उसको हम दूसरे कार्बन पे लिख देंगे। अर्थात 4 में से एक कार्बन माइनस करने पर बचता है 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम इस प्रकार लिख लेंगे। इस जो कार्बन को हम एक कार्बन माइनस किए हैं वो हमेशा हम रख देंगे दूसरे वाले कार्बन पे। तो ऐसे यौगिक को हम आइसोकार्बन कहेंगे। ऐसे 5 कार्बन की श्रृंखला में देखते हैं, ठीक। अब इसमें टोटल कार्बन की संख्या 5 है। अब 5 कार्बन में से एक कार्बन हम माइनस कर देंगे, बचेगा 4 कार्बन। अब 4 कार्बन की श्रृंखला हम बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से दूसरे कार्बन के हम कार्बन को जोड़ देंगे तो ऐसे को हम आइसोकार्बन कहते हैं। अर्थात इसमें टोटल कार्बन 5 को है। अब दूसरे कार्बन पे हमारा कार्बन जुड़ा है इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसो। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन। इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।